नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बड़ी आतंकी वारदात श्रीनगर में। लाल चौक के पास हरि सिंह रोड पर ग्रेनेड हमला, आधा दर्जन लोग जख्मी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट, खाली कराए गए अस्पतालों के इमरजेंसी कक्ष। एयरबेस के आसपास चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। सुरक्षा एजेंसियों का दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हरामी नाला बॉर्डर से बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने बरामद की 5 पाकिस्तानी बोट। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सोमवार से बहाल होगी पोस्ट पेड मोबाइल सेवा। प्रीपेड सेवा अब भी बहाल नहीं। सूबे में 5 अगस्त से बंद थी मोबाइल सेवा। मोदी जिनपिंग अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं हुई कोई बात। भारत ने बताया आंतरिक मामला, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए दोनों देश एक साथ आए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा को बताया बेहद ही सफल। स्वागत समारोह से हुए अभिभूत, बोले पीएम मोदी मतभेदों को विवाद की वजह नहीं बनने देंगे। महाबलीपुरम में समुद्र के तट पर पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान। समुद्र किनारे सुबह की सैर के दौरान उठाया कचरा, बीच पर 30 मिनट चलाया सफाई अभियान। दिल्ली के पॉश इलाके में पीएम मोदी की भतीजी के साथ लूट। ऑटो से उतरते ही बदमाशों ने बनाया अपना शिकार। बाइक सवार लुटेरे पर्स छीनकर भागे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अलग हुई पूर्व विधायक अलका लांबा, कांग्रेस में शामिल। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको को मौजूदगी में पार्टी में हुई शामिल। कहा, कांग्रेस का सदस्य बनने पर गर्व महसूस कर रही हूँ। दिल्ली में ऑडिवन में महिलाओं को मिलेगी राहत, लेकिन सीएनजी गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट। 4 से 15 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन का फॉर्मूला। सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे नियम। दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है प्रदूषण का स्तर। हरियाणा में रोक के बावजूद किसानों के पराली जलाने से छाई धुंध। अधिकारियों का दावा, जल्द पाएंगे काबू। आर्थिक मंदी को लेकर मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद का अजीब गरीब बयान। काफी करोड़ों रुपए कमा रही फिल्म तो कहां है मंदी। पीएमसी बैंक ग्राहकों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। आरबीआई गवर्नर से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ट्वीट कर वित्त मंत्री ने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने का दिया भरोसा। जीएसटी में मोदी सरकार कर सकती है बड़े बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि जीएसटी में है कई कमियां, बोली अब बन चुका है कानून। दिल्ली में सातवें आसमान पर पहुंची टमाटर की कीमतें। कई इलाकों में 80 रुपए तक बिक रहा है टमाटर। फसल खराब होने के चलते और बढ़ सकते हैं कीमतें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कर्ज माफी, 10 रुपए में भरपेट खाने समेत किए बड़े वादे। आरए के लिए भी बड़ा वादा। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक। अयोध्या मसले पर हुई चर्चा। कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक पर भी हुई चर्चा। पुणे टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 275 रनों पर सिटी। भारत को 376 रनों की मिली बढ़त। पहली पारी में भारत ने 651 रन पर घोषित की थी अपनी पारी। खबर है कि ऋतिक रोशन को लेकर बनने वाली फिल्म क्रिश 4 का बजट 250 करोड़ रुपए हुआ है तय। संभव है कि अब इस सीरीज की अगली फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन की बजाय संजय गुप्ता करेंगे। 2020 के मध्य में शुरू हो सकती है शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ रांची कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। अमीषा पर प्रोड्यूसर अजय कुमार ने 2.5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस कर लगाया आरोप। अजय का आरोप है कि उन्होंने 2018 में फिल्म देसी मैजिक बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए उधार दिए थे। अमीषा ने 2.5 करोड़ का चेक दिया जो हो गया है बाउंस। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर। और इसी के साथ मुझे यानी कि नेहा रेड्डी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।